हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल दूसरे स्विम बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आया बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है ओप्पो का F19 वर्सेस वीवो का V20, इसका करने वाला है कंपेरिजन, साथ में सारी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि ये अगर ये दोनों आपने चला के देखने हैं तो ये आपको बालाजी कम्युनिकेशन शॉप मिल जाएगी, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलाने या परचेज करने हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप विजिट कर सकते हो। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्राइस का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी प्राइस की, ये आपको 19,000 का मिलेगा, ये आपको मिलेगा 23,000 का। जब ये लॉन्च हुआ था तो आई थिंक 25-26 के आसपास हुआ था, पर आज की डेट में इसका प्राइस है 22,990 रुपये। पर इसको लॉन्च हुए के 6 महीने हो चुके हैं, इसको लॉन्च हुए के 6 दिन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं प्राइस के बारे में, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, 19,000 23,000, मतलब कि 4,000 का डिफरेंस आता है। अब देखते हैं कि इनमें 4,000 रुपये में आपको क्या क्या अप डाउन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके बैक लुक के बारे में, बैक आप चेक कर सकते हो दोनों की, मुझे कैमरा लेयर आउट चेक कर लो, वीवो की पसंद आई है। ओप्पो वर्सेज वीवो में आपको कौन सा ब्रांड पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज सैमसंग ओप्पो एप्पल को छोड़ दो, बाकी सारे ब्रांड जो भी आपके रियलमी MI जो भी है आपके, आपका ब्रांड कौन से फेवरेट है कमेंट करके बताना। अगर हम बात करते हैं इन दोनों सेटों की तो ये ग्लोसी में आ जाता है, ये मैट लुक में आ जाता है, इसको सनशाइन मेलेडी कलर कहते हैं। इसके और कलर भी मिलते हैं, ब्लैक भी मिलता है, वाइट भी आई थिंक मिलता है, तो और कलर काफ़ी मिल जाते हैं। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं इसमें आपको बात करते हैं, इसमें आपको F19 में आपको जो मिलेगा F19 Pro F19 Pro Plus, पर अगर कलर की बात करें कलर इसमें भी आपको और मिल जाते हैं, ब्लैक भी मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे हाथ में अभी ब्लू कलर है, ब्लू कलर आप देख सकते हो, लाइट ब्लू कह सकते हो आप इसको, कुछ भी कह सकते हो। और ये सनशाइन मेलेडी है, इसको आप ब्लू करो पर्पल करो, ऐसे ब्लू लग रहा है, ऐसे पर्पल लग रहा है, ऐसे अलग अलग शेड मतलब की रेनबो शेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके डिस्प्ले साइज़ की, डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में लगभग दोनों का साइज़ तो सेम ही है, पर क्वालिटी के मामले में थोड़ा अलग आ जाता है। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो ये आपको एमोलेड मिलेगी, 6.4 इंच डिस्प्ले देखने को मिलेगी इसकी, 6.4 इंच देखने को मिलेगी इसकी, क्योंकि दोनों की वीवो और ओप्पो की दोनों की 6.4 इंच ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। पर अगर हम बात करते हैं ये ओप्पो में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, अगर हम वीवो की बात करते हैं इसमें सुपर एमोलेड देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चेक कर सकते हो एमोलेड और सुपर एमोलेड, सुपर एमोलेड थोड़ा ज़्यादा बेटर होती है। फर्स्ट आपको अगर आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हो एक सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इनके फ्रंट कैमरों की, फ्रंट कैमरा वीवो का बहुत ही पिक्सल की बात की है तो काफ़ी तगड़ा पिक्सल है इसमें नंबरिंग के बारे में। अगर हम ओप्पो की बात करते हो तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा मिलता है, मुझे कैमरा की डिटेल जो रहती है डिटेल कह दिया लोकेशन मुझे ये अच्छी लगती है पंच होल कैमरे की, चाहे सेंटर में चाहे वो इधर है, पर आप चेक कर सकते हो इसकी। सैमसंग की वीवो की आपको देखने को मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, क्योंकि कैमरों के मामले में देखा जाए तो कैमरा भी इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी हो जाता है पिक्सल के मामले में बड़ा। और दूसरी बात की ये आई स्कैनिंग है, वीवो में आपको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं अगर आप 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च लेते हो। दो प्लस पॉइंट क्या है कि आपको फ्रंट कैमरा जो मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल की जगह 44 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, डिस्प्ले तो सेम साइज रहने वाला है दोनों का, पर इसकी सुपर एमोलेड मिलेगी, दो डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें कैमरों के बारे में, हम चेक कर रहे थे 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको ओप्पो में देखने को मिलेगा, और इसमें बटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा कैमरा 44 मेगापिक्सल का। अब कैमरा चला के थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं फ्रंट कैमरा कैसा रहता है, बैक कैमरों की तो क्या ही टेस्टिंग करनी, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो फ्रंट कैमरा आप चेक कर सकते हो, दोनों स्कैनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओप्पो का है ये मेरा फेस स्कैन कर रहा है, जो वीवो का है वो मेरी आई स्कैन कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो वीवो के कैमरे में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आ रही है, इसमें थोड़ा हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा, मतलब कि कलर उबर उबर के आ रहे हैं, ये थोड़ा नेचुरल दिखा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं कह रहा है पर नेचुरल ही दिखा रहा है। बाकी देखा जाए तो दोनों कैमरे अपनी जगह पे बहुत सही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर बात करते हैं इसकी लाइट की कटिंग की, इसकी थोड़ी लाइट ना ऐसे फैल रही है वीवो के कैमरे में, आप चेक कर सकते हो लाइट मेरे फेस के ऊपर आ रही है। और अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो का जो लाइट का जो पीछे वाला मैकेनिज्म, जब स्पेलिंग फिर फंस के यार आंधे स्पेलिंग फंस जाते हैं उसके लिए सॉरी, पर ओप्पो की जो लाइट कटिंग वाली है वो सिस्टम सही है, देखो लाइट एकदम गोल दिखा रहा है, तो इसमें लाइट जो है वो फट रही है, मतलब कि जैसे ऐसे लंबा सा स्लैश दिख रहा है ना लाइट में, वो चीज़ दिख रही है। तो सॉरी फोटो मोड में चलते हैं, ये आ गया फोटो मोड में, फोटो मोड में सेम हो रहा है, इधर भी फोटो मोड में है, तो ये चेक कर सकते हो, ये आई स्कैन कर रहा है। अगर हम फोटो खींचते हैं
तो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आई स्कैनिंग ज़्यादा बेटर रहती है। पर अगर देखा जाए तो मुझे ये वाली चीज़ इसकी पसंद नहीं है कि लाइट फैन जोड़ा लाइट इसकी दिख रही है। ये देखो ओप्पो में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो फ्रंट कैमरे में तो खैर बढ़िया है, ये दोनों के दोनों बढ़िया है। बाकी आप देख लेना आपकी कंपनी कौन सी आपको बेटर लगती है और कौन सा आप चला रहे हो, उसके हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड की बात करते हैं तो वीवो में आपको वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन, साथ में पावर लॉक बटन देखने को मिल जाएगा। ओप्पो में आपको सिर्फ पावर लॉक बटन देखने को मिलेगा। राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट में सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी, जिसमें दो नैनो सिम डाल सकते हो, एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन आपको ओप्पो में लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी बात करते हैं तो ओप्पो में कुछ भी अगर मतलब कि कोई आपको नॉन स्कैनसिंग के लिए माइक नहीं देखने को मिलेगा, वो आई थिंक नीचे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको नॉन स्कैनसिंग के लिए माइक ऊपर देखने को मिलता है। अगर हम डाउन की बात करते हैं तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ओप्पो में नॉइज़ कैंसलिंग के लिए और मेन माइक मुझे लगता है दोनों इनबिल्ट ही है। तो मेन माइक यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ, यहाँ पे मेन माइक है, 3.5 mm का हेडफोन जैक दोनों में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके बैक में से, बैक में से आप चेक कर सकते हो ओप्पो की लुक कुछ शाइनिंग है, जिसके ऊपर ये फिंगर्स छप जाते हैं। मैटिंग के मैट के ऊपर थोड़े फिंगर्स प्रिंट्स कम छपते हैं। तो बाकी आपका क्या रहता है राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मतलब कि आपको राय ये बताना कि आपको मैट अच्छा लगता है कि ग्लोसी अच्छा लगता है। ग्लोसी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर इसको संभाल साफ रखना पड़ता है तो फिंगर लगने पे हो जाता है, पर मैट में ऐसी चीज़ नहीं होता। अगर कलर की पसंद करें तो मुझे कलर ये वाला वीवो को पसंद आया है, सनशाइन मेलेडी। अगर हम बात करते हैं ओप्पो की, तो ओप्पो के बैक कैमरे में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेंगे, सॉरी ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, और सेम वीवो में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर हम कैमरों की बात करते हैं बैक की, तो बैक में 48 megapixel आपको ओप्पो में देखने को मिलेगा, 2 megapixel देन 2 megapixel, साथ में फ्लैश देन कैमरा लेआउट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लेंस के कि कौन कौन सा लेंस कितने मेगापिक्सल का है। देन अगर हम वीवो की बात करते हैं तो वीवो में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटिंग, 64 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel, साथ में फ्लैश एंड कैमरा ब्रांडिंग, दोनों की आप चेक कर सकते हो कितनी सही है, और कमेंट करके बताना कौन सी ज़्यादा बेटर आपको लगती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी ओप्पो की एंड वीवो की, ठीक है, लेफ्ट राइट का फ़र्क है थोड़ा सा और कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनके आउटपुट चार्जर की या पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो चार्जर आउटपुट देखने को मिलेगा, दोनों में 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर देखने को मिलेंगे, दोनों में 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं बैटरी के बारे में बात किया जाए तो 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, पर बैटरी का प्रोसेसर में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अगर हम वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 GB RAM, 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी ओप्पो में। अगर हम वीवो की बात करते हैं तो इसमें 8 GB RAM और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, बाकी मेमोरी कार्ड डालने में दोनों में ऑप्शन है। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 662, 662 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो के F19 में, जो कि अभी अभी आया है। अगर हम सैमसंग की वीवो की बात करते हैं तो वीवो में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G, जो इनका 2020 का मॉडल था उसमें 720 मॉडल था, प्रोसेसर था 720G गेमिंग, और जो इनका 21 में आया है जो मॉडल उसमें इन्होंने 30 प्रोसेसर दिया हुआ है सैमसंग का स्नैपड्रैगन 730G। मतलब ये बात याद रखना कि अगर आप 2020 का मॉडल खरीद रहे हो तो उसमें आपको स्नैपड्रैगन जो मिलेगा वो 20 देखने को मिलेगा, और जो 2021 में मॉडल आया उसमें आपको स्नैपड्रैगन 30 देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जो स्नैपड्रैगन 720 है वो ज़्यादा बेटर है 730 से, ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए हीट के इशू में या फिर अदर इशू में देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो इसके ओवरऑल लुक के बारे में मुझे दोनों काफ़ी बढ़िया लगे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, 6000 रुपये में क्या कहाँ कहाँ डिफरेंस आया वो मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले में, फ्रंट कैमरे में, बैक कैमरे में, और बैटरी के मामले में ये विनर रहता है। अदरवाइज इसमें जो 3-4 फर्क आया तो वो आप देख सकते हो। फ्रंट कैमरे में मुझे ठीक लगा, दोनों अपनी जगह ठीक है, पर इसकी जो फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, जो बल्ब पीछे लाइटिंग में अगर आप फोटो खींचने जाते हो, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ी लाइटिंग जो शो हो रही है फैल रही है लाइट, वो थोड़ा आई थिंक होना चाहिए था, बाकी वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगने से पहले हम इसका स्पीड टेस्ट भी कंपैरिजन कर लेते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगे। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का सा, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर कर देते हैं जल्दी जल्दी से, और सबसे पहले हम गूगल चला के देख लेते हैं गूगल कैसी रहती है इनकी। तो दोनों में क्लियर है, ओके, वीवो विनर रहता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रोम देख लेते हैं, क्रोम में भी वीवो विनर है। उसके बाद क्लॉक,
क्लॉक में लगभग दोनों सेम ही है, वैसे वीवो एक सेकंड आगे गया है, उतना टच करने में ही फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में वीवो आगे गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, फेसबुक में भी वीवो आगे गया, मतलब कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़िया ही देने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 762 स्नैपड्रैगन 730 गेमिंग प्रोसेसर आ जाता है, तो फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा। तो ये था कुछ इसका एप्लीकेशन रेट टेस्ट, स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट के मामले में ये विनर रहने वाला है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 4000 का डिफरेंस खर्चते हो तो उसमें आपको ये चीज़ मिलनी भी चाहिए। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, आपको कौन सा सेट अच्छा लगा कमेंट करके बताना, बाकी आपका ब्रांड कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताना। सारे ब्रांडों में एप्पल को हटा के, एप्पल इन ब्रांडों में नहीं आता, वो अलग ही ब्रांड है। तो वैसे मेरा ब्रांड सैमसंग है फेवरेट, आपका कौन सा कमेंट करके बताना। कहीं का वीवो है, कहीं का ओप्पो है, कहीं का नोकिया भी है। अभी तक किसी टाइम पर मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही मॉडल के फ़ोन चलाए हुए हैं, नोकिया और सैमसंग। सबसे पहले मैं कीपैड के नोकिया चलाता था, अब मैं सैमसंग में शिफ्ट हुआ हूँ, तो तब से आई थिंक मुझे 10-12 साल हो गए तो मैं सैमसंग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो बस आप बताना कि आप अगर वीवो चला रहे हो कब से चला रहे हो, और ओप्पो चला रहे हो कब से चला रहे हो। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर इन दोनों में से आपने कोई चला के देखना है या परचेज़ करना है, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेधड़काओ, आपने कुछ पूछना है पूछ भी सकते हो, लेना है ले भी सकते हो, अगर चला के देखना वो भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वीडियो, और इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहे, जल्दी जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि स्विमिंग बाय मनी चैनल पे तो हो गया आई थिंक, अब मेरा टारगेट ये है कि इस चैनल पे भी 1,00,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से हो जाए, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी, बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वीडियो।